नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक मोटर्स की आज की इस वीडियो में। और आजकल वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही हैं क्योंकि जॉब को लेकर थोड़ा इशू चल रहा है। जॉब की वजह से मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है आज के टाइम में। और इसी के साथ आज की वीडियो में हम फिट करने वाले हैं अपनी विक्टर में किल स्विच। तो किल स्विच फिट करेंगे, यहाँ पर हैजर्ड लाइट का स्विच तो आता है लेकिन किल स्विच नहीं आता है। तो उसके लिए मैं बता दूँ कि सबसे पहले हमें चाहिए, उसे छोड़ो, सबसे पहले हमें चाहिए गंदे कपड़े, पुराने, जिससे कि नए कपड़े गंदे ना हों। और इसके बाद चाहिए हमें एक ऑन ऑफ स्विच। ऑनलाइन ये 130 रुपये से लेकर ऊपर तक किसी भी रेट का मिल रहा है, लेकिन ये मैंने आफ्टर मार्केट, मतलब यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदा है 40 रुपये का। और इसमें आए थे ये वायर इस लेंथ के, लेकिन मैंने वायर बढ़ा लिए हैं अंदर शोल्ड करके इसमें, और ये वायर को मैंने लंबा कर लिया है क्योंकि पीछे तक लाना है जितना भी हो। मैं बाहर से जॉइंट इसमें नहीं करना चाह रहा था, और वैसे भी मैंने वायर इसमें थोड़ा सा हैवी फिट कर लिया। हालांकि ये भी चल जाता, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी इस वायर में जो फिट आया था, लेकिन इसको मैंने फिर भी थोड़ा सा हैवी वायर इसमें यूज़ कर लिया है फॉर सेफ्टी रीजंस। लेकिन इसके साथ भी इतनी कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। इसके अलावा चाहिए हमें थोड़े से टूल्स। ये मैं अपने लोकल मैकेनिक से ख़राब वायरिंग में से ये प्लग्स निकाल के लाया हूँ, जो हमारी EST कॉइल पर या आप कह सकते हैं इग्निशन कॉइल पर लगेंगे। तो ये सब अटैचमेंट्स हैं, कुछ प्लग्स आप देख सकते हैं। और इसी के साथ कुछ रिंचेस, प्लास, पेचकस, बस इतने में टेप, और हो सके तो शोल्डर आयरन भी, नहीं तो जॉइंट लग के भी काम चल जाएगा अगर आप शोल्डर ना भी करना चाहें तो। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं अपने वाइज़र को खोलने के साथ, और एक बार मैं खोल लेता हूँ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये दो बोल्ट्स खोलकर ये वाइज़र आगे आ जाएगा। पूरा हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वायरिंग हमें पीछे ही इसमें ले जानी है। तो फिलहाल हम इसे इतना ही खोलेंगे और बाकी का मैं सीट भी निकाल लेता हूँ। अभी सबसे पहले पेट्रोल को बंद करके पेट्रोल टैंक भी हमें निकालना होगा, सो इसे हम खींच लेते हैं। अभी इसको खोल लेते हैं, मेरे पास एप्रोप्रिएट रेंच नहीं है तो मैं प्लास से ही इसे खोलूँगा। यहाँ से काफ़ी टाइट है वैसे ही। ये फ्यूल गेज का तार है, इसे आपको डिस्कनेक्ट करना है, ध्यान रखें, जिससे फ्यूल लेवलिंग बताता है कितना फ्यूल है गाड़ी में। ये उसका वायर है, और ये है ऊपर से अगर बारिश में पानी आता है इस ढक्कन के चारों तरफ तो उसे बाईपास करने के लिए ये पाइप है। तो ये दिया हमने निकाल और सेफली इसे रखेंगे। तो अभी ये मेरे को यहाँ फिट करना है, और यहाँ फिट करने के लिए थोड़ा सा गैप है। अगर मैं इसे यहाँ फिट करता हूँ तो ये मेरे को इधर खिसकाना पड़ेगा, और उसके बाद भी उतना गैप यहाँ बचेगा नहीं ये सिलेंडर की वजह से। और ये कुछ फ़र्क नहीं आएगा ज़्यादा खास, ब्रेक पर थोड़ा सा इधर खिसक जाएगी, तो ऐसा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे भी यहाँ पकड़ के चलाता हूँ। तो मैं हल्का सा इसे इधर खिसका दूँगा और उसके बाद इसे यहाँ फिट करूँगा। तो फ़िलहाल मैं कर लेता हूँ इसे अनस्क्रू और उसके बाद इसे यहाँ पर फिट करूँगा। ध्यान रहे कि ये बहुत टाइट होता है और वापस से भी आपको बहुत टाइट कसना है। अभी मैं पहले फिट करके देखूंगा स्विच को, यहाँ पर आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। तो अभी अगर इसे मैं यहाँ लगा कर देखूँ तो अभी उतना परफेक्टली नहीं आ पा रहा, बहुत मामूली सा मैं खिसकाऊँगा और ये अब परफेक्टली आ पा रहा है। तो मैं इसे वापस से लगाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं स्विच को कस दूँ यहाँ पर, जिससे बाद में कोई दिक्कत हो ना। तो इसे पहले मैं थोड़ा और खिसका लेता हूँ उधर। तो अभी इस तरफ से स्विचेस मैंने फिट कर दिए हैं और ये काफ़ी टाइट हो गया है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा अभी ऊपर करना चाहूँगा क्योंकि मेरे को जहाँ सूटेबल रहेगा वहाँ से मैं देखूँगा कि ऑफ़ करने में मेरे को सूटेबल रहे, क्योंकि स्टार्ट तो नॉर्मली ऑन करके हो जाएगी लेकिन ऑफ़ करने में ये सूटेबल रहे, तो उसके हिसाब से मैं अपनी पोजीशन देखूंगा। और जो कि ये पोजीशन तो नहीं, लेकिन हाँ ये पोजीशन मेरे हिसाब से सूटेबल है।
हालांकि मेनी टाइम्स लोग इसको करना चाहे हैं तो कर सकते हैं इसको भी, क्योंकि इसके भी सेपरेट वायर्स होते हैं यहाँ पर। अभी मैं उसे खोल नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सेपरेट वायर्स होते हैं इस सॉकेट में, जो तीन वायर्स होते हैं इस साइड के, वो चेक करने होंगे, उसको भी बना सकते हैं। इसके तीन वायर्स होते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं उसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अलग स्विच चाहिए, क्योंकि हैजार्ड लाइट का भी स्विच मेरे को चाहिए, और मैं कोई भी जो स्टॉक फिटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहता हूँ। इस वजह से मैं अलग से ही स्विच यहाँ पर लगाऊंगा। दैट्स ओके। और एक बार और मैं अपने स्विचिंग की पोजीशन देख लेता हूँ। परफेक्ट परफेक्ट पोजीशन यहाँ पर है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा और टाइट। और ध्यान रखिए प्लास्टिक का यहाँ पर जो नट सिस्टम है इसका, जो थ्रेड बनी हुई है वो प्लास्टिक में बनी हुई है अंदर, तो पेज स्लिप कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा टाइट ना करें, कोशिश करें इन दोनों के बीच में दबा दें इतना कि टाइट करने की और ज़रूरत ही ना पड़े। तो फिलहाल मैंने इतना कर दिया है, इसके बाद ये डिस्क के लीवर को, पूरे सिलेंडर सिस्टम को मैं इधर खिसकाऊंगा। ओके, इससे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा थोकना पड़ेगा। लेकिन कभी भी आपको सिलेंडर पे नहीं मारना है अगर ऐसी कंडीशन आती है, वैसे तो आएगी नहीं, आप थोड़ा और लूज कर सकते हैं ऐसे। ये आ गया, और इसके बाद सीधा फिट। 10 नंबर की रिंच से आपका काम हो जाएगा, वैसे विक्टर में अगर आपके पास विक्टर है तो 10 नंबर की रिंच सफिशिएंट रहेगी, और इसके अलावा कोई भी आपको रिंच वगैरह नहीं चाहिए होगी। वैसे आप पाने से काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा पाना। वैसे पोजीशन सही है, थोड़ी सी मेरे को अजीब लग रही है, बहुत मामूली सा खिसका है ये, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ी सी अजीब पोजीशन लग रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई अजीब नहीं है, आराम से ब्रेक पकड़ में आएगी। और इसी के साथ मेरे को शायद ये नहीं ठोकना चाहिए था और लूज़ कर लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ निशान आ गए हैं ब्लैक पर। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और ज़रूरत भी पड़े तो कपड़ा लगा लें उसके बाद ठोकें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और सिलेंडर आपको नहीं ठोकना है, और काफ़ी सेंसिटिव एरिया ये होता है, हालांकि वैसे काफ़ी मजबूत होता है लेकिन सेंसिटिव होता है। तो फिलहाल हम जो बहुत मेन चीज़ मैं भूल गया हूँ लाना, वो है ज़िप टाई। तो ज़िप टाई मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इन्हीं ज़िप टाई में होकर तार को निकालूंगा और किल स्विच की फिटिंग यहाँ पर मैं करूँगा। तो दोस्तों अभी यहाँ से इग्निशन स्विच से यहाँ इसी ज़िप टाई में डालता हुआ मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, यहाँ थोड़ा टाइट किया है। इसके बाद इसे घुमाकर इसके साथ खाली तार नहीं डाला मैंने, इसमें एक ट्यूब चढ़ाया है जिसमें मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, ये ट्यूब मेरे पास पतला था, दो तार निकलना मुश्किल हो रहे थे, ज़बरदस्ती खींचे हैं, और यहाँ से यहाँ दबाता हुआ यहाँ लेकर आया हूँ। फिलहाल ये यहाँ है। अभी हमें करना है एक काम, कि ये है इसकी इग्निशन कॉइल, जिसको हमें इसके तारों को रिमूव करना है। बेसिकली स्प्लेंडर वगैरह में ये अलग से सिंगल तार होता है, लेकिन इसमें दो दिए गए हैं, तो जिसकी वजह से या तो हमें वायरिंग कट करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं इसमें ओरिजिनल में कुछ भी ऐसे चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, इसी की वजह से मैं दूसरा प्लग लेकर आया था। एक मिनट, प्लग ये वाला प्लग लेकर आया था जो कि सेम है, जो कि इसमें डालूंगा, और इसमें मैं पिन्स फंसाकर इसका, एक्चुअली ये फीमेल कनेक्टर मेरे को अलग से मिला नहीं, तो इसमें मैं पिन फंसाकर इसको सेटअप करूंगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी कट वगैरह नहीं आएगा, वायरिंग पहले जैसी रहेगी, और इसके आगे मैं काम कर पाऊँगा। इसको इसकी सीरीज़ में लगाना है, यानी कि यहाँ से जो आएगा वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले इसकी मैं कर लेता हूँ पिन सेट, और आप बढ़िए आगे। तो दोस्तों फिलहाल हमने वायरिंग पूरी कर दी है, अंधेरा होने वाला है, इस वजह से मैंने पूरी सेटअप नहीं किया है गाड़ी का, पूरा सेटअप मैं बाद में कर लूँगा। फिलहाल आपको लगाकर दिखाई दे रहा हूँ कि ये हो रहा है काम इसमें, ये हमने की गाड़ी ऑन हो चुकी है। यहाँ से हम जैसे ही इसे ऑफ़ करेंगे, ये ऑफ़ हो चुकी है, अब ये स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ से फिर हमें इसे ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगी। इसमें किया मैंने सिंपल है, यहाँ से दो तार लेकर आया हूँ मैं स्विच पर से यहाँ तक, ये ब्लैक और ब्लू कलर के। इसके बाद मैंने जो सॉकेट थी, मैं इसे बंद कर देता हूँ, जो सॉकेट थी मैंने सेम सॉकेट यहाँ पर ली हुई है, ये सेम सॉकेट जैसे कि इसमें लगी हुई थी, ये पहले यहाँ से तार जा रहा था यहाँ तक, लेकिन मैंने ये सॉकेट ऐसे की ऐसे निकाल लिया, और इस सॉकेट का सेटलमेंट क्या है, ध्यान रहे ऑरेंज तार सेम होगा, हर गाड़ी में सेम होता है वो लगभग, क्योंकि ये पॉजिटिव का होता है, जो वाइब्रेंट कलर होगा वो पॉजिटिव का होगा, खासकर आपको ऑरेंज ही मिलेगा, तो पॉजिटिव में आपको स्विच फिट करना है। टेपिंग वगैरह मैंने अभी टेम्परेरी किया है, अभी मैं इसे ठीक कर रहा हूँ,
आपको प्रॉपर टेपिंग करनी है और ध्यान रहे कहीं भी शॉर्ट सर्किट ना हो। और इसके अलावा मैं बात करूं तो यहां पर केवल मैंने ये जो स्विच के तार हैं इन्हें सीरीज में लगा दिया है, यानी कि पॉजिटिव में एक में ये, जिससे ये हमारे इग्निशन कॉइल में जाएगा, और दूसरा यहां से आया है इसी ऑरेंज में से इस ऑरेंज तक जा रहा है, ये ब्लू में गया है, ये यहां से ब्लैक आकर ये ऑरेंज में मिल गया है। और ये ब्लैक कह लीजिए या फिर ये ब्लू कह लीजिए, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर सेट किया है। हालांकि अभी मैंने इन पिंस का इंतजाम किया था, फीमेल नहीं मिला था। अगर मेरे को फीमेल मिल जाएगा तो मैं इसमें एक फीमेल जो सॉकेट है या कह सकते हैं अडॉप्टर है वो डाल दूंगा अभी, लेकिन मैं इन्हें परमानेंटली फिक्स करूंगा यहाँ पर, इस पर कच्ची रबड़ लगा के जो समर सिविल में जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद टेप लगाकर, जिससे यहाँ पर कहीं भी शॉर्ट सर्किट की गुंजाइश ना रह जाए, उसके बाद इसे पूरा सील कर दूंगा मैं। तो इस तरीके से आपको काम करना है और इसी तरीके से वर्क करेगा ये सॉकेट लग जाएगी। ये सॉकेट आपको किसी भी ख़राब वायर में से मिल जाएगी, आप किसी भी लोकल मैकेनिक के पास चले जाइएगा, ये सॉकेट आपको, ये जो प्लग है आपको कहीं भी मिल जाएगा। फीमेल सॉकेट नहीं मिले वो हो सकता है, लेकिन ये आपको किसी भी मैकेनिक के पास ख़राब वायरिंग में से मिल जाएगा, चाहे वो बजाज की वायरिंग हो, चाहे वो हीरोंडा की हो, चाहे टीवीएस की हो, तीनों में आपको मिल जाएगा। तो आप इजीली ले सकते हैं। मैं एक बार फिर स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, ये यहाँ से पहले स्विच ऑन करूँगा, ये स्टार्ट किया, और जैसे ही मैं ऑफ़ करूँगा ये ऑफ़ हो जाएगी गाड़ी। तो ये थी हमारी वायरिंग। तार हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, जो टेप है, टेपिंग है, जॉइंट्स हैं, वो अच्छी क्वालिटी के लगाने हैं, बस इतना इनफ रहेगा और काफ़ी सूटेबल रहेगा ये आपकी गाड़ी के लिए, क्योंकि जनरली हमें इग्निशन से ऑफ़ करना पड़ता है। बहुत से लोग बोलते हैं इग्निशन जो लॉक का स्विच है उसे काट कर आप इसे बंद कर सकते हैं गाड़ी को, वहाँ से आप लगा लीजिए, लेकिन उससे पूरा इग्निशन बंद हो जाएगा, तो मेरे को वो सूटेबल नहीं लगता है। और मेरे को ये भी समझ में नहीं आता है, ये स्विच मेरे को मिला है 40 रुपये का, हो सकता है ये और सस्ता भी आता हो सकता है और महंगा भी आता हो, लेकिन मेरे को आफ्टर मार्केट ये 40 रुपये का मिला है। कंपनी को ये अगर अच्छी क्वालिटी का भी लगाएंगी तो वो भी 40-50 रुपये का पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा 10 रुपये का तार, तो 50-60 रुपये बचाने के लिए पता नहीं कंपनी क्यों नहीं देती है किल स्विच, लेकिन होना चाहिए हर गाड़ी में। महंगी गाड़ियों में आता है, स्पोर्ट्स बाइक में आता है, लेकिन इनमें नहीं आता, इसलिए मैंने ये फिट किया है। और इसी के साथ जो मेरी लैंप्स हैं मेरे, वो मैंने ओके रखे हैं, ओके रिपोर्ट रखे हैं, लेकिन एक जल नहीं रहा, पता नहीं क्यों जल रहा है, क्यों नहीं जल रहा है, उसको मैं अभी वायरिंग को चेक कर लेता हूँ, शायद हिल गया होगा कुछ वहाँ से। तो बस इतना था इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए। अभी वीडियो रेगुलर नहीं है, बहुत जल्दी रेगुलर भी हो जाएंगे। और इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी जो भी सवाल सुझाव और राय है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर संडे को कमेंट वाला सेशन में उसके जवाब देता हूँ। और उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप किसी वीडियो के अपडेट को मिस ना करें। वैसे आज भी संडे है जिस दिन मैं ये काम कर रहा हूँ, तो अभी मैं कमेंटशाला शूट करूँगा, उसके बाद शाम को कमेंटशाला आएगी 8-9 बजे तक, तो ये वीडियो हो सकता है आप मंडे को देख रहे हो, मंडे को अपलोड हो रही हो। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।